हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल इन 2024। सो अगर तुम भी एक चैनल बनाकर YouTube पर ग्रो करना चाहते हो, सो काफ़ी लोग बस लोगो, चैनल नेम एंड यूज़र नेम लगाया एंड क्रिएट चैनल, बस हो गया काम। बट इतने में ही बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसके आगे भी काफ़ी सेटिंग्स है जो तुम इनेबल नहीं करते और स्पेशल फीचर्स को मिस कर देते हो। सो चलो तुम्हें फुल प्रोसेस बताता हूँ चैनल क्रिएट करने का। सबसे पहले तुम्हें चाहिए जीमेल आईडी, है तो अच्छी बात है बट आई रिकमेंड कि फ्रेश बना लो। सो सबसे पहले नीचे प्रोफाइल पर क्लिक करो एंड यहाँ से स्विच अकाउंट पर टैप करो। फिर ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो क्लिक करो क्रिएट अकाउंट पे एंड फिर फॉर माय पर्सनल यूज एंड अपने चैनल का नेम एंटर कर देना या फिर कोई भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना। फिर क्लिक करो नेक्स्ट पे, फिर यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर डाल देना और एज आपको 18 प्लस ही डालना है, नहीं है तो फिर भी डाल देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते ही तुम्हें दो जीमेल आईडी शो होंगे, अब जो भी बेस्ट लगे उसे सिलेक्ट कर लेना, वरना क्रिएट पे क्लिक करके तुम अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेकेंड को। फिर क्लिक करो नेक्स्ट पे, फिर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा देना। फिर नीचे स्क्रॉल करके तुम्हें यस आईएमइन का ऑप्शन मिलेगा, सो उस पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देना एंड फिर से आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सो बन गया तुम्हारा जीमेल आईडी। अब चैनल को क्रिएट करने के लिए प्रोफाइल पे क्लिक करो, फिर क्रिएट ए चैनल पे टैप करो एंड सबसे पहले लोगो ऐड कर दो। सो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लोगो लगा रहा हूँ। फिर चैनल का नेम ऐड कर देना जो कि हमारा पहले से ही लगा हुआ है एंड यूज़र नेम भी पहले से ही लगा हुआ है। सो क्लिक कर दो क्रिएट चैनल पे। सो बन गया तुम्हारा चैनल। बट रुको, सेटिंग्स अभी बाकी है जिसको करने के लिए क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा। सो क्रोम ओपन करके सर्च करना m.youtube, फिर इस तरीके से आएगा youtube.com। सो इसे ओपन कर लेना, फिर ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना एंड स्विच अकाउंट पे टैप कर देना एंड अपने चैनल को लॉगिन कर लेना। फिर यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट पे कर देना। फिर कॉर्नर में प्रोफाइल पे टैप करके व्यू योर चैनल पे टैप कर देना। फिर यहाँ देखो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज चैनल का, ठीक है। सो उस पे होल्ड करके रखना है एंड यहाँ से क्लिक करो ओपन इन न्यू टैब पे। फिर क्लिक कर दो ऊपर टैब्स वाले आइकन पे एंड यहाँ से देख सकते हो तुम तुम्हारा नया टैब ओपन हो चुका है। सो इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड वेट करना, ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने आएगा। सो ये भी कुछ सेटिंग्स है जिनको आपको करना है, बट हम पहले इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। सो नीचे कॉर्नर में जूम करने पर आपको मिलेगा सेटिंग्स वाला आइकन, सो इस पे तुमको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से तुम्हारे सामने आ जाएगी मेन सेटिंग्स। सो यहाँ सबसे पहले तुम इंडियन INR डाल सकते हो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी है तो कर सकते हो। फिर यहाँ चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड सबसे पहले यहाँ कंट्री सिलेक्ट करना है तुमको, इंडिया कर लेना एंड फिर यहाँ तुम्हें कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन मिलेगा जिसको डालने पर तुम्हारा चैनल सर्च पे आएगा। तो अपने चैनल के नेम को यहाँ अलग अलग तरह से ऐड कर दो, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ एंड अपनी कैटेगरी से रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड्स डाल देना। फिर यहाँ एडवांस सेटिंग पे क्लिक करो एंड सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, फिर सारी चीज़ों को नॉर्मल रहने दो। अब आती है मेन सेटिंग्स, फीचर एलिजिबिलिटी। इसे इनेबल करने से तुम्हें कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जिसमें से स्टैंडर्ड फीचर्स आपका ऑलरेडी इनेबल रहेगा एंड सेकेंड पे है इंटरमीडिएट फीचर्स। इसे इनेबल करने के बाद आप 15 मिनट से ज़्यादा लेंथ का वीडियो बना सकते हो, कस्टम थंबनेल लगा सकते हो एंड लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। सो इसे इनेबल करने के लिए साइड में एरो पे क्लिक करो एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई फोन नंबर, उस पर टैप कर दो एंड आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है बट नहीं हो तो कर लेना, ठीक है। अब कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फोन नंबर डाल देना। आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि एक मोबाइल नंबर से एक साल में दो ही चैनल आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल दो एंड गेट कोड पे क्लिक कर दो। सो कुछ सेकंड्स वेट करना एंड तुम्हारे पास जो वेरिफिकेशन कोड आएगा उसे यहाँ पे डाल दो और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो एंड जूम आउट करने पर ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। सो अपने क्रोम ब्राउजर पे वापस आ जाना है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ग्रीन टिक आ चुका है। अब सबसे मेन फीचर है एडवांस फीचर। सो इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये फीचर इनेबल नहीं हो रहा है। सो इसे विथ प्रूफ इनेबल करने का प्रोसेस तुमको बताने वाला हूँ। सो एरो पे क्लिक करो एंड साइड पे इसे इनेबल करने के फ़ायदे देख सकते हो। सो सबसे पहले एक्सेस फीचर पे टैप कर देना। सो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन है, इसमें आपको 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करना होगा एंड 24 आवर के अंदर ये आपका फीचर इनेबल कर देगा। फिर नेक्स्ट है वैलिड आईडी का ऑप्शन, जिसमें आपको अपने गवर्नमेंट आईडी का फोटो सबमिट करना होगा, लाइक पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस।
एंड इससे भी आपका 24 आवर में एडवांस फीचर इनेबल हो जाएगा। फिर लास्ट है बिल्ड चैनल हिस्ट्री। इसमें आपको कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस 2 मंथ अपना काम करना है कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, एंड ये फीचर आपका ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो हम करेंगे वीडियो वेरिफिकेशन, सो उसको सिलेक्ट कर लो एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गेट ईमेल पे क्लिक कर दो। अब डन पे टैप करके बैक आ जाओ एंड ओपन कर लो अपनी जीमेल एप्लीकेशन को एंड यहाँ से अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना एंड रिफ्रेश करके यहाँ पे तुम्हें ऊपर में ही मेल मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना है एंड स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके चेक बॉक्स को फिल करके आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड इन रूल्स को फॉलो जरूर करना वरना वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो मुझे इन रूल्स को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी समझदार ऑडियंस हो, तो इतना तो यार तुम समझ ही जाओगे। सो रीड करके नेक्स्ट पे टैप कर दो एंड परमिशन को अलाउ कर दो एंड स्टार्ट पे क्लिक कर दो। अब जैसे जैसे ये कमांड देता है वैसे वैसे आपको करना है, लाइक फेस ऊपर करने को बोलता है तो ऊपर करो एंड नीचे करने को बोलता है तो नीचे करो। फिर ग्रीन टिक शो हो जाए तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा एंड 24 आवर के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड अब ये पेंडिंग में रहेगा, सो नीचे अपलोड डिफॉल्ट्स पे टैप करो एंड यहाँ तुम डिफॉल्ट टाइटल एंड सेटिंग्स कर सकते हो। सो ये मेरे हिसाब से सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे ही वर्क करता है, ये वीडियोस पे वर्क नहीं करता है। सो हम इम्पोर्टेंट सेटिंग्स ही करने वाले हैं। सो सबसे पहले विजिबिलिटी को अनलिस्टेड पे कर देना है एंड उसके बाद ऊपर एडवांस सेटिंग में जाके दो ही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, लाइक कॉमेडी या गेमिंग। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड वीडियो लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी वीडियो की लैंग्वेज पे सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हिंदी। सो अब फाइनली सेव कर दो एंड यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। सो सबसे पहले मिलता है चैनल ट्रेलर का ऑप्शन, जिसमें आप एक वीडियो ऐड कर सकते हो जो आपके ऑडियंस को आपके चैनल पेज पे टॉप में दिखेगा। एंड अब इसमें बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ ब्रांडिंग पे। सो यहाँ से तुम लोगो बैनर के साथ अपना वाटरमार्क भी लगा सकते हो, जैसा आपको नीचे मेरी वीडियो में दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, सो कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ बेसिक इन्फो में। सो चैनल नेम, हैंडल एंड डिस्क्रिप्शन यानी बायो का ऑप्शन तो आपको यूट्यूब एंड YT स्टूडियो में भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिलते हैं लिंक्स एंड कॉन्टेक्ट इन्फो का। सो सबसे पहले ऐड लिंक पे क्लिक करो एंड किस चीज का लिंक डालना है उसका नेम एंटर कर दो। लाइक मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया इंस्टाग्राम। अब अपना प्रोफाइल का URL डाल देना। अब ऐसे ही आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम सबका URL डाल सकते हो। फिर कॉन्टेक्ट इन्फो में अपना ईमेल ID डाल देना, जिससे आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके स्पॉन्सर्स के लिए। सो ईमेल ऐड करने के बाद ऊपर पब्लिश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सो मैंने कोई चेंज नहीं किया है इसलिए यहाँ पे ब्लू नहीं हो रहा है, सो आप कर लेना, ठीक है। सो बस क्रिएट हो गया तुम्हारा यूट्यूब चैनल। बट रुको, एडवांस फीचर्स का क्या हुआ, इनेबल हुआ या नहीं? सो वीडियो वेरिफिकेशन सबमिट करने के 5-6 घंटे बाद ही मुझे मेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडवांस फीचर इनेबल हो चुका है, अब आप इन्हें यूज कर सकते हो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड अब तो फेसबुक पेज भी क्रिएट कर लिया है, तो जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। एंड अभी लास्ट टाइम मैंने 7 डेज शॉर्ट चैलेंज किया था, सो उस पे मुझे क्या रिजल्ट मिला वो देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। सो मैं तुमसे वही मिलने वाला हूँ। बाय।